गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर जो एमनेस्टी स्कीम थी, यानी कि जो हमारा विवाद से विश्वास स्कीम है, 31 दिसंबर 2020 को जो एंड हो रहा था, अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। क्या है इसका बेनिफिट और किस तरीके से ये एक्सटेंशन काम करेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने ओपन करा है नोटिफिकेशन, जो कि 27 अक्टूबर 2020 को आया है। इसके अंदर इसमें बताया गया है कि सेक्शन 3 ऑफ जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम का एक्ट है, उसके सेक्शन 3 के अंदर जो टाइम पीरियड्स दिए गए हैं उसमें चेंजेस किए गए। सबसे पहले जो डिक्लेरेशन फाइल करने की टाइम पीरियड है उसे 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है, यानी कि जिसे भी डिक्लेरेशन फाइल करना है वो 31 दिसंबर तक विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर डिक्लेरेशन दे सकता है। 31 मार्च 2021 हो जाएगी किस चीज के लिए, वो हो जाएगी डेट जो कि सेक्शन 3 के कॉलम नंबर 3 में दिया गया है। कॉलम नंबर 3 जो है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 1 अप्रैल 2021 हो जाएगा, जो कि फोर्थ कॉलम, टेबल ऑफ सेक्शन 3 के फोर्थ कॉलम में दिया गया है। अब ये कॉलम्स क्या है और इसके अंदर क्या चीजें बताई गई हैं, बिल्कुल शॉर्ट में आप समझ लीजिए। ये मैंने ओपन करा है विवाद से विश्वास स्कीम का जो टेबल है और उसके अंदर जो कॉलम्स दिए गए हैं वो। इसमें आपको मैं एकदम सिंपल टर्म में अगर बताऊं तो आपका पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है नेचर ऑफ टैक्स एरियर, यानी कि इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो चेक करी जाती है वो चेक करी जाती है कि किस तरीके का टैक्स एरियर आपका बचा हुआ है। उसके बाद थर्ड कॉलम है कि 31 दिसंबर तक अगर आप जमा करते हैं तो ये रिलैक्सेशन है, 31 दिसंबर के बाद करते हैं तो ये रिलैक्सेशन दिया गया है। अब इसी डेट को, ये 31 दिसंबर 2020 को 31 मार्च 2021 कर दिया गया है और 1 जनवरी 2021 को 1 अप्रैल 2021 तक शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला है, अगर आपका टैक्स अरियर, जो आपका टैक्स का डिमांड है या टैक्स एरियर है, उसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूडेड है। वेयर द टैक्स एरियर इज एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन charged on such disputed tax and penalty levyable or levied on such disputed tax, यानी कि जो disputed tax है उसके ऊपर जो interest लगा हुआ है या फिर जो उसके ऊपर penalty लगा हुआ है, इन तीनों ही situation में disputed tax और उसका interest और penalty है और वो amount आपके arrear के अंदर है, तो आप 31 मार्च 2021 तक इससे छुटकारा पा सकते हैं अगर आपने डिस्प्यूटेड टैक्स का पेमेंट कर दिया है। जी हां फ्रेंड्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपकी माफ हो जाएगी अगर आपने 31 मार्च 2021 तक इस डिस्प्यूटेड टैक्स का पेमेंट कर दिया है। अदर कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होगी जो कि अपील्स वगैरह के लिए दी गई है। दूसरा कॉलम है जहां पर टैक्स एरियर किन किन चीजों को इंक्लूड करता है, वो करता है टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी डिटरमाइंड इन एनी असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्च। आपका जो टैक्स एरियर है उसके अंदर जो टैक्स का अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट है, पेनल्टी का अमाउंट है, वो निकाला गया है इन वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ असेसमेंट, और वो असेसमेंट करी गई है सर्च के अकॉर्डिंगली, सर्च होने के बाद। तो उस सिचुएशन में पहले जो डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2020, तो यहां पर आपको जो रिलैक्सेशन है, अगर आप 31 मार्च 2021 तक डिस्प्यूटेड टैक्स जमा कर देते हैं और 25% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स जमा कर देते हैं तो इंटरेस्ट और पेनल्टी से जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगला जो कॉलम है, वेयर द टैक्स एरियर रिलेट्स टू द डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और पेनल्टी और डिस्प्यूटेड फी, टैक्स का अमाउंट जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जहां पर इंटरेस्ट, पेनल्टी और फी है तो 25% ऑफ द डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट, डिस्प्यूटेड पेनल्टी या फिर डिस्प्यूटेड फी
आप 31 मार्च 2021 तक भर देते हैं तो 75% का छुटकारा आपको दे दिया जाएगा। तो ये पहला रिलैक्सेशन है जो कि 31 दिसंबर 2020 को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। अगर आप 31 मार्च 2021 तक नहीं भरते हैं तो 1 जनवरी 2021 की जगह पे अब 1 अप्रैल 2021 के लिए आपको ये कंडीशंस जो है वो दे दी गई। पहला जो था वो अगर आपने 31 मार्च तक डिस्प्यूटेड टैक्स का पेमेंट कर दिया तो इंटरेस्ट पेनल्टी का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। अगर 1 अप्रैल से करते हैं तब क्या होगा, द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स एंड द 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। अगर आप 1 अप्रैल को करेंगे तो जितना आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है वो और उसका 10% यानी कि डिस्प्यूटेड टैक्स का 110% आप जमा कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो बचा सकते हैं। लेकिन 31 मार्च से पहले कर देंगे तो 10% जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है एक दिन के लिए, वो भी आपको नहीं देना होगा। उसके बाद है द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स एंड 35% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स। 31 मार्च तक करते हैं तो दूसरे केस में जहां पर सर्च के केसेस पे असेसमेंट करने के बाद टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी निकाली गई है तो अगर 31 मार्च तक कर दिया आपने तो 25% में छुटकारा मिल जाएगा, टैक्स प्लस 25% और 1 अप्रैल से डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस 35% यानी कि 135% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स जो है वो जमा करना पड़ेगा। थर्ड केस में 30% ऑफ द डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट पेनल्टी और डिस्प्यूटेड फी। अगर इंटरेस्ट पेनल्टी और फी का डिस्प्यूट है तो पहले 31 मार्च तक 25% था, 1 अप्रैल के बाद 30% पेमेंट करके आप छुटकारा ले सकते हैं। तो ये काफी बड़ी रिलैक्सेशन जो दी गई है एमनेस्टी स्कीम इनकम टैक्स के अंदर, जिसे डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट का नाम दिया गया है, ये काफी बड़ी रिलैक्सेशन जो है दी गई है। इसी प्रकार की रिलैक्सेशन और इसी प्रकार की जीएसटी के अंदर एमनेस्टी स्कीम की जो डेट एक्सटेंशन है उसकी भी काफी लोग वेट कर रहे हैं। अगर हो सके तो इसे भी एक्सटेंड कर देना चाहिए एटलीस्ट टिल 30th नवंबर 2020, ताकि जिनका भी लेट फीस बच गया है पेमेंट करना वो उससे राहत ले सके और फाइलिंग जो है वो कर ले। इसी तरीके की अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप ये सारी चीजें बुकलेट फॉर्म में चाहते हैं, हर महीने अपडेट्स के रूप में चाहते हैं इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी के अंदर भी, तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मोबाइल नंबर्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि इनकम टैक्स के अंदर जो एमनेस्टी स्कीम है उसकी डेट किस तरीके से एक्सटेंड करी गई है।